एजुकेशन सिस्टम एक फेल्ड सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमें मैट्रिक तक इंग्लिश लैंग्वेज के नाम पे थर्स्टी क्रो और ग्रीडी डॉग जैसी फालतू स्टोरीज, सिक लीव और अर्जेंट पीस ऑफ वर्क जैसी फालतू किस्म की एप्लीकेशन स्टडी करवाई जाती है। फर्स्ट ईयर से लेके ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन से लेके मास्टर्स तक इंग्लिश लैंग्वेज के नाम पे हमें लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड फजूल किस्म की नॉवल्स पढ़ाई जाती है जिनका प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कोई फायदा नहीं है। आजकल लोग नेटफ्लिक्स की सीरीज के सबटाइटल्स को पढ़ के उन लोगों से ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं जो मास्टर्स इन इंग्लिश है। एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमें फजूल किस्म की मैथमेटिकल इक्वेशंस और अलजेब्रा पढ़ाया जाता है जिसका प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कोई काम नहीं है। अगर मुझे कोई कैलकुलेशन करनी है तो मैं अपने फोन को उठाऊंगा, उसमें कैलकुलेटर एप्लीकेशन को ऑन करूंगा और कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन करनी हो चंद सेकंड के अंदर कर लूंगा। मुझे उसके लिए फजूल किस्म की बड़ी बड़ी मोटी मैथमेटिक्स की बुक्स को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो टेक्नोलॉजी आ रही है दुनिया के अंदर, ये स्मार्टफोन, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज, ये सारा कुछ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की वजह से आ रहा है। स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के फाउंडर है, उन्होंने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की कोई किताब को पढ़ के एप्पल जितनी बड़ी ट्रिलियन डॉलर वर्थ कंपनी खड़ी नहीं की। जेफ बेजोस जो कि अमेज़न के फाउंडर है, उन्होंने किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में किताब को पढ़ के इतनी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी खड़ी नहीं की। इलॉन मस्क जो कि दुनिया के अमीर तरीन इंसान है, उन्होंने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की किताबों को पढ़ के स्पेसएक्स और टेस्ला जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज को खड़ा नहीं किया। ये सारे लोग सेल्फ एजुकेटेड लोग थे। इन्होंने जितनी भी इन्वेंशन की है वो सेल्फ एजुकेशन के थ्रू की है, ना कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की फालतू एजुकेशन के थ्रू। अगर ये लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन के ऊपर डिपेंडेंट होते तो आज ना कोई आईफोन जैसे स्मार्टफोन्स होते, ना टेस्ला जैसी स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती और ना कोई अमेज़न जैसी बड़ी ई कॉमर्स